भोपाल में किसी को ऊँट की सवारी करना हो तो देख लो भाई, ऊँट इनसे डर लगता है भाई, ये मार ना दें। मतलब वो हमसे घबरा रहे हैं, हम उनसे घबरा रहे हैं, देख रहे हैं बाबा। अच्छा, इनके पैरों में वो बंधी है रस्सियाँ, तो वो मतलब स्लो, मतलब जैसे भाग भी नहीं सकते हैं और वहीं वहीं चल रहे हैं। हेलो, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो, की हाल चाल है, सब बढ़िया तो होंगे भाइयों। और ये देखो यहाँ पे भेड़ों का मतलब झुंड है, मतलब यहीं पे लोगों ने तो क्या करते हैं, मतलब आसपास डेरा डाल लेते हैं। मतलब मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ, ये सिटी के पास क्यों डालते हैं, मतलब सिटी से थोड़ा दूर भी डाल सकते हैं यार। है मतलब सिटी के पास डेरा डाल के रखा है हमने, सिटी के पास कौन सा ऊँटों और भेड़ों को खाना मिलता है। ओहो वाह, टोयोटा की वैसे वेलकम टू PITS भोपाल। तो अब हम देखते हैं, वो अलग ही मजा है, मतलब यानी कि PITS में गाड़ी चलाने का। आज हम उसको 100 करते हैं, हम 100 तक। हो जा रानी। बस यहाँ पे ये है एक्सीडेंट स्पॉट, सारे एक्सीडेंट होते हैं बाबा यहाँ पे। एक मेरे सामने ही हुआ था, जस्ट मेरी निगाहों के सामने हुआ था, एक क्रेटा वाले ने स्कूटी वाले को सीधा उड़ा दिया था। वो भी समथिंग जैसे मैं 100 पे भगा रहा हूँ, वो भी ऐसे स्पीड पर भगा रहा था, लेकिन बट उसके हाथ में कंट्रोल नहीं था। अपन तो कंट्रोल कर लेता क्योंकि अपने को क्या है कि एक एक रास्ता याद है, मतलब यानी कि कहाँ से कहाँ पे ब्रेक लगाना है, क्या करना है, तो वो थोड़ा संभाल के चलना पड़ता है। होए होए, मूवियाँ लग गई, राम सेतु, थैंक्स गॉड, अच्छी अच्छी मूवियाँ आई हैं वैसे तो। PITS के मज़ा लेते हुए बस इसमें चलाने से एक घाटा है कि आदमी टाइम से पहले घर, मतलब यानी कि जॉब पर पहुंच जाता है। अब मेरे को पहुंचना रहता है 9 बजे समथिंग। मेरे साथ ये चल रहा है कि साला मैं अगर एक बार नहा लिया घर में तो बस बाहर निकलना है, या सुबह हो या शाम हो। शाम को भी नहाऊंगा तो चाय पीने जाऊंगा, सुबह नहा लिया तो सीधे जॉब पर निकल जाऊंगा। मतलब एक चुल टाइप की रहती ना। अरे पापा, तो दो बस एक साथ ही चल रही है, इनकी क्या कमाई होगी यार बाबा। बाहर गाड़ी चलाने में और PITS के अंदर, तो अभी तो बाहर का माहौल भी खाली है क्योंकि आज संडे है। एक तो संडे, दूसरी बात सुबह का टाइम है, 8-1 बजे है, तो समथिंग मतलब सुबह सुबह तो कोई भी नहीं आया हो जाता है इधर उधर, नहीं तो अभी यहाँ पे भीड़ लगी होती है। अभी तो मोहतरमा कहाँ पता है कहाँ जाने लगी है सुबह सुबह से। नई नई गाड़ियाँ देख के मन होता है बाबा अपन भी उठा ले एक आध कार, बट बजट ही नहीं है यार। यूट्यूब पे वीडियो डालो तो 10-15 व्यूज मिलते हैं, इससे ज़्यादा व्यूज ही नहीं मिलते हैं। आज तो इस रूट पर सुबह सुबह इतनी बसें क्यों दिख रही, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। सुबह सुबह ही मतलब 4-5 रेड बस दिख चुकी है और एक साथ कंटिन्यू में, ये नहीं है। हाँ दादा ठोक दें, मतलब इसने कसम खा के बैठा है आज इस बंदे को निपटाना है। किया का शोरूम, अगर किया का शोरूम देखना हो तो ये आशिमा के पास है और यहीं पे मतलब साइड में, जैसे मतलब यानी कि फोर्ड की गाड़ियां तो बंद हो चुकी, लेकिन उसके साइड में सर्विस सेंटर अभी भी चालू है। यहाँ पे टाटा का मिल जाएगा आपको, मतलब होशंगाबाद रोड पे, मतलब भोपाल होशंगाबाद रोड पे
इतने सारे आपको शोरूम मिल जाएंगे, हर गाड़ी का शोरूम मिलेगा। यहाँ तक कि थोड़े आगे चल के आप मंडीदीप के पास देखोगे तो मतलब ऑडी का सर्विस सेंटर है, और साथ में मतलब यानी कि फॉक्स वैगन का भी मतलब वो क्या कहते हैं शोरूम खुल चुका है वहाँ पे। ओहो, और भी बहुत सारी शोरूम मतलब यानी कि जीप का शोरूम भी खुला है उस साइड। तो ऐसे मतलब यानी कि बहुत सारे शोरूम आपको मंडीदीप तक मिल जाएंगे। बाबा पूजा गाड़ी के सामने सुबह सुबह लोगों को वॉक करते हुए देखते हैं तो मज़ा आता है यार, काश हम भी आ जाते, थोड़ा पेट अंदर हो जाता हमारा भी क्या करें, हिम्मत नहीं होती यार पेट अंदर करने की। सोचते हैं अच्छा है आए थे घर से हैं तो थोड़ा बहुत तो निकलना ही चाहिए पेट को बाहर। कभी कभी मैं सोचता हूँ यार कि वीडियो डालने का क्या मतलब है, बस एक ही रोड पे चलते हुए तुमने वीडियो डाल दी, अरे बाबा। फिर सोचता हूँ यार डालो, कुछ तो कंटेंट मिलेगा। गलत बोला हूँ क्या? तुम लोग आप लोग सोचते होंगे यार क्या बकर चोरी करता रहता है साला। अरे गाली दे दी। बैठ जाओ, चाय मिल जाती मस्त वाली, मजा आ जाते हैं। पाँच चाय चाय पीएंगे, नाश्ता करेंगे और फिर जाएंगे जॉब पे। सोच रहा हूँ यार घर निकल जाऊँ 4-5 दिन के लिए, जो भी रहे। सुबह सुबह तो आपको जितना भी ITS में चलना हो चल सकते हो, बट एक टाइम ऐसा आ जाता है कि भाई तो पुलिस लग जाती है। कभी कभी भाई सावधान भी रहें, नहीं तो चालान कट सकता है। नहीं तो लोग सोचते हैं यार नहीं यार चलो VITS खाली है निकल जाओ, अपन ने तो अभी तक चालान नहीं कटवाया बट बता रहे हैं। समझ रहे हो बाबा अपनी फीलिंग बयां करना पड़ता है। रजा न्यू लुक में कितनी प्यारी लगती है यार, मानेंगे बाबा। सुजुकी वाले ने एक ग्रैंड विटारा और एक रजा दोनों में इतना बढ़िया मॉडल लेके आए हैं, मज़ा ला दिया है। लोगों को भी खरीदने में मज़ा आ जाता होगा, भले इंजन वगैरह परफॉर्मेंस वगैरह सेम वो ही रहेगी जो पुरानी गाड़ी की है, बट जो लुक है अल्टीमेट कर दिया पूरा। हालांकि चेंजेस हैं लुक में, एकदम भरी भरी गाड़ी लगती है। अपने को नहीं शौक है, अपन मिला लेगा उसको बाबा, अपने को पीछे नहीं जाना उस गाड़ी में, अपने को थोड़ा स्लो चलना है 50 से ऊपर नहीं। गाड़ी अभी पेट्रोल की जाएगी, अभी देख रहे होगे आप खुला गाड़ी का पेट्रोल खाली कर देती है, खाली टंकी। ऐसा तो मेंटेन करके रखना पड़ता है भाई, खाली तो अपन होने नहीं देता है। ठीक है, सुबह सुबह मॉर्निंग हो गई। रेड बस वाले तो चलो फिर भी बहुत सेफली चलाते हैं, मतलब कहीं बचा देते हैं इंसान को, कि उनमें ब्रेक वगैरह तो रहता है। अब जैसे मतलब ब्लू बस वाले हैं, उनका तो कंफर्म भी नहीं रहता कि उनकी गाड़ी में ब्रेक है कि नहीं।
माँ की गेयर वगैरह तो है, लेकिन ब्रेक का तो पता नहीं रहता कि है भी कि नहीं भाई, कब किसको बढ़ा के चले जाए, कोई कंफर्म नहीं रहता उनका। इसलिए एक ऑटो वाले से और एक ब्लू बस वाले से हमेशा सावधान रहे। और जहाँ देखी तुमने दारू का ठेका, वहाँ से तो और सेफली चलो। कौन पी के कैसी गाड़ी चला रहा है बाबा, किसी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपनी ध्यान की खुद सेवा करें। वो वाली जान नहीं, खुद की जान। पता चले गर्लफ्रेंड के पास पहुंचा है, अरे भाई मेरी जान है। अल्लाह बाबा, डॉगी भाई, डॉगी भाई, डॉगी भाई। चलो तो आज का हमारा सफ़र था हबीबगंज तक ही, तो आज वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जैसा भी होगा अपडेट आपको अच्छी अच्छी मिलती रहेगी। तो चलते हैं, अभी क्या है कि कुछ माहौल नहीं बन रहा है, अभी कोई सिस्टम भी नहीं है, तो इस वजह से नॉर्मली वीडियो आती रहेगी फिर पर डे। चलो थैंक यू।